चलिए टाइप्स ऑफ स्पीड नाउ. स्पीड की ये फोर टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड, अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ठीक है, ये आपको पता ही है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, लिखिए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, सो मेनी एग्जांपल्स यू कैन कोट. कौन कौन से एग्जांपल्स? मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, और कार कवरिंग 10 किलोमीटर इन 10 मिनट, 20 किलोमीटर इन 20 मिनट एंड सो ऑन, वो सब आप लिख सकते हो. ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के भी हमने कर लिए थे, मोशन ऑफ अ मैन जॉगिंग इन अ पार्क, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ क्राउडेड सिटी रोड एटसेट्रा, ये आपने कर लिया. अब एवरेज स्पीड पे आते हैं. Okay, average speed is defined as the ratio of total distance to the total time taken. Average speed is defined as the ratio of total distance covered by the object to the total time taken to cover that distance. Total time taken to cover the distance. So, average speed is total distance upon total time. Okay, we can use a symbol VAV for that. AV means average. So let us take up first case. Case one. If object is moving with different velocities by covering different distances, but is taking same time. ठीक है? तो इफ टाइम गैप्स आर सेम, सपोज ऑब्जेक्ट जो है सेम टाइम से कवर कर रही है कुछ डिस्टेंसेस को, और कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज आर वी वन वी टू सो ऑन, राइट? सो हाउ कैन वी राइट एवरेज स्पीड इन दैट सिचुएशन? टाइम इज टी प्लस सो ऑन अप टू टी, एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड एस वन प्लस एस टू. Suppose different distances are being covered up to nth time. Now we can use V is equal to S by T. That is a basic formula. So S can be written as S is equal to VT. So using this, we can write S1 as V1T. Time to same hai na, to hum T1 nahi karenge. S2 as V2T. So on up to VNT. Or t when added n times will become nt. Is this step clear, students? Bataiye. Agar is step mein koi doubt hai, toh you can ask. Yes, students, do you have any doubts? Yahan tak clear hai? Humne time gap same liye, distances bhi different hai, speeds bhi different. Yes, Japan Jot, bolo. मम्मी VT कैसे आया ये एक बार दोबारा बता दो. हाँ, ये देखिए बेसिक फॉर्मूला क्या है, स्पीड का डिस्टेंस ओवर टाइम. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, S आ गया VT. ओके, तो बस यूजिंग दैट वी हैव रिटन S1 इक्वल टू V1T, S2 इक्वल टू V2T एंड सो ऑन. तो अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम T कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, कॉमन ले लिया, टी आपका कैंसिल हो गया, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला. दैट इज द मीन ऑफ, दैट इज कौन सा मीन कहते हैं इसको, अर्थमेटिक मीन ऑफ डिफरेंट स्पीड्स. सो व्हेन अ नंबर ऑफ स्पीड्स आर गिवन टू यू, डिफरेंट डिस्टेंसेस आर गिवन टू यू, बट टाइम गैप्स आर सेम, देन द एवरेज स्पीड विल बी
arithmetic mean. Average speed will be their arithmetic mean. तो ये उनका arithmetic mean ही है ना, इसको हम simple mean कहते हैं ना, सभी velocities, सभी speeds को add कर दो और number से divide कर दो. So this is called their arithmetic mean. ठीक है, सो दिस वॉज आवर फर्स्ट केस. नाउ वी कम टू द सेकेंड केस, केस नंबर टू. इफ द ऑब्जेक्ट इज हैविंग इक्वल डिस्टेंसेस, फॉर एग्जाम्पल आप होम टू स्कूल आ रहे हो और स्कूल टू होम जा रहे हो फुल ब्रेक के बाद, तो आपके डिस्टेंस कवर्ड सेम है इस केस में. सपोज यू केम टू स्कूल बाय एन ऑटो रिक्शा मूविंग विद 25 किलोमीटर पर आवर, or you go back on foot moving with only 5 km per hour. So your speed for coming and going back, these are different. V1, V2, V3, aapki speed is different hai, but distance is same hai. Home to school, school to home. Times bhi different hai. Theek hai? Then how we will calculate average speed? So average speed is S plus S, so on up to, kyunki aapke distance is same hai, or time difference hai. Ab. टाइम है ये, राइट. अगेन वी यूज द बेसिक फॉर्मूला, एस वी इज इक्वल टू एस बाय टी. तो टी क्या हो जाएगा, एस बाय वी. सो हाउ कैन यू राइट t1, t2, सो ऑन, और ऊपर आपने n टाइम्स s को ऐड किया तो ये बन गया एन एस, ऊपर बन गया एन एस. एंड यू राइट नाउ t1 एज s ओवर v1, T2 as S over V2, TN as S over VN. ठीक है, डिस्टेंस तो सेम है तो हम S1 over V1 नहीं लिखेंगे, we will write S over V1. Then T2 we won't write S2 over V2, we again write S over V2 क्योंकि हमारा S सेम है. So ऊपर नीचे अब देखिए, हम S कैंसल आउट कर सकते हैं if we take S common from denominator also. So cancel out S, then your average speed becomes N over 1 upon V1 plus 1 upon V2, so on up to 1 upon VN. So this is your formula for average speed in case the distances covered are same, and this is called harmonic mean. ऐसे mean को हम harmonic mean बोलते हैं. अगेन इट इज एवरेज, हमने एवरेज स्पीड ही निकाली इन बोथ द केसेस, बट इन द फर्स्ट केस वी हैव कैलकुलेटेड अरिथमेटिक मीन एंड इन द सेकंड केस वी हैव कैलकुलेटेड देयर हार्मोनिक. ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये हमें हार्मोनिक मीन देता है इन अ वे. तो हैव अ लुक एट बोथ द केसेस. यस, हैव अ लुक, इज दैट क्लियर. चलिए अब स्पेशल केस लेते हैं. अगर आपके दो ही केसेस होते लाइक होम टू स्कूल, स्कूल टू बैक होम, तब हम क्या करते. सो इफ एन इज 2, तो आपकी एवरेज स्पीड होगी 2 अपॉन 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2. टेक द एलसीएम v1 v2 और v1 प्लस v2. v1 v2 पर आ जाएगा एंड यू विल गेट 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2. तो अब आपको ज्यादा अच्छी तरह पता लग रहा होगा कि ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला. ठीक है, दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑफ हार्मोनिक मीन. इफ यू आर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, मैथ्स में आप करते हो, उसमें आपका पूरा चैप्टर है. ठीक है, so this is called harmonic mean. तो अगर two objects हैं तो 2v1v2 over v1 plus v2. objects मतलब two cases हैं जिसमें distance, two parts हैं जिसमें distance same है, like home to school, school to home back. but अगर three equal distances वाला case है then it will become analogically 3 over 1 over v1 plus 1 over v2 plus 1 over v3. but when you take the LCM, this is not equivalent to, that is a common mistake students commit.
this is not equal to 3v1 v2 v3 over v1 plus v2 plus v3. This is a wrong formula. आपको अगर 3 का या 4 का दिया आपको ऐसे ही सॉल्व करना, क्योंकि when you will take the LCM you will find that this is not equal to 3v1 v2 v3 over v1 plus v2 plus v3. आप देखोगे कि ये सेम नहीं है. Is that clear? ठीक है, तो 3 के लिए आपने ये फॉर्मूला यूज नहीं करना. आप 1 ओवर करके उसका LCM लेके सॉल्व करोगे. See what is the reason? क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करें 3 ओवर तो ये आपका आएगा v1 v2 v3, डेफिनेटली नीचे आएगा, बट यहाँ पे आएगा v2 v3 plus v1 v3 plus v1 v2. सो यू कैन सी इट इज नॉट सेम एज दिस. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कुछ और ही. अब इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने से अच्छा है कि हम उसको सॉल्व भी करें. तो यू विल गेट 3v1 v2 v3 over v2 v3. अब ये फॉर्मूला तो कोई लर्न नहीं ना करेगा, तो देर इज नो यूज. तो बेटर है आप वन ओवर वाला फॉर्मूला ही यूज करें. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? एक्सेप्ट ऑफ दिस एडीयू एवरेज स्पीड करें एक न्यूमेरिकल इस पे. चलिए लिखिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. राइट, चलो वही बड़ा फेमस जो न्यूमेरिकल है कार वाला, वो हम कर सकते हैं यहाँ पे. चलिए लिखिए. अ मोटर कार कवर्स फर्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ टोटल डिस्टेंस. अ मोटर कार कवर्स 1/3 पार्ट ऑफ टोटल डिस्टेंस विद स्पीड V1 equal to 10 km/h. With a speed equal to 10 km/h. ठीक है, a motor car covers 1/3 part of total distance with speed V1 equal to 10 km/h and second one third part with speed 20 km/h and rest one third part with speed 60 km/h. A motor car covers 1/3 part of total distance with speed V1 equal to 10 km/h, second 1/3 part with speed 20 km/h and rest 1/3 part with speed V3 equal to 60 km/h. Find average speed of the car. अब ये 3 equal distances वाला केस हो गया ना, आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा न्यूमेरिकल में. तो अब 3 equal distances में which formula you will use? Harmonic mean वाला formula. 3 over 1 over v1. चलिए इसको solve करिए and tell me the answer. Take the LCM and yes, what is the answer? If anyone has solved. Yes, did anybody solve? हाँ जी, किया solve किसने? 18 km/h is the answer. 18 आ रहा है आपका. Simply LCM लेके solve करना है इसको. Are you getting 18? Please confirm anyone. Anyone, please confirm. Yes, Samriddhi. Yes, ma'am, 18 आ रहा है. Okay, ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे.
That day we did motion in 1, 2, and 3 dimensions also. So write in your copy. I am asking which type of motion is indicated. वो आपको बताना है. First लिखिए. A carom coin rebounding from the side of board. What is its motion? 1, 2, or 3 dimensions. Who will tell me? A carom coin rebounding from the side of board. Carom coin. Rebounding from the side of board. Yes. What type of motion it is? 1-dimensional, 2-dimensional, or 3-dimensional? Yes, Samriddhi. Some motion in 2D. Yes, 2-dimensional. Blackboard is also a plane. Like your copy, blackboard, all are planes. Same way, this you can say carom board, that is also a plane. So, wo 2-dimensional. Next hai, a planet revolving around its star. A planet revolving around its star. Yes, Himanshu, bolo. टू डायमेंशनल हाँ बच्चे, इस हिसाब से मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन भी 2-dimensional ही होगी. प्लीज उसको भी वहां पे नोट कर लीजिए. मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन अराउंड एक्सिस दोनों एक ही बात है. आर थीटा ही चाहिए, उसमें भी फाई इन्वॉल्व नहीं है. तो इसलिए आप उसको भी अर्थ अराउंड सन भी 2-dimensional में ही लिखिए. प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड स्टार वो भी 2-dimensional ही है. सेम वे मून अराउंड अर्थ वो भी 2-dimensional मोशन ही है. ठीक है, उसमें दो ही कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए. अच्छा नेक्स्ट बताइए. स्टोन फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द रूफ ऑफ अ हाउस. अ स्टोन फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द रूफ ऑफ अ हाउस. व्हाट काइंड ऑफ मोशन? यस युवराज. मैम 2D. यस 2D के 1D. हाँ जी 2D. नहीं नहीं 1D होगा. देखो स्टोन तो बिल्कुल नीचे डाउनवर्ड गिर रहा है और वो कहीं जा ही नहीं सकता. इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू मूव डाउनवर्ड्स ओनली. अर्थ इज पुलिंग इट टुवर्ड्स इट. सो मोशन ऑफ अ स्टोन स्टोन फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द रूफ ऑफ हाउस, दैट इज 1-dimensional. ठीक है, 1-dimensional के बहुत रेयर एग्जाम्पल्स मिलते हैं, बट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ 1-dimensional मोशन. ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ 1-dimensional मोशन. ओके, अब बताइए नेक्स्ट. मोशन कौन सा था? मोशन ऑफ अ काइट फ्लाइंग ऑन अ विंडी डे. मोशन ऑफ अ काइट फ्लाइंग ऑन अ विंडी डे. ये तो चलो सबको पता होगा, आई थिंक हमने उस दिन मेंशन भी किया था. यस युवराज. मैम 3D काइट की. हाँ 3D हो गई. यस काइट की हो गई 3D. एंड मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, ये बताइए. मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल. यस हिमांशु. 3D. गैस मॉलिक्यूल कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, यू नो, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में थ्रू आउट द कंटेनर मूव कर सकते हैं. सो गैस मॉलिक्यूल्स दे आल्सो हैव 3-dimensional मोशन. ठीक है, तो चलो आपको टाइप्स ऑफ मोशन क्लियर है. हाँ चलिए, नेक्स्ट टाइप है इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो नाइन्थ में तो आपने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट किया था इंस्टेंटेनियस स्पीड का. स्पीड ऑफ an object at a particular instant of time, that is called instantaneous speed. But now let's be more specific. So how to calculate? Definition to wahi hai. Speed of an object at a particular instant of time. So definition likh lijiye. It refers to the speed of an object at a particular instant of time. Speed of an object at a particular instant of time. So how do we do that? अब स्पीड होती है बेसिकली, या वेलोसिटी होती है चेंज इन यू कैन से डिस्टेंस ओवर टाइम. टाइम के साथ डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. हम यही बोलते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, व्हाटएवर अकॉर्डिंगली स्पीड और वेलोसिटी भी डिफाइन. तो ये डेल्टा मीन्स चेंज, ठीक है, वो हम बता रहे हैं.
तो हाउ वी कैन टेक अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, वी टेक लिमिट, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो. सो टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस स्पीड वी ऑलवेज टेक द लिमिट. लिमिट मीन्स कि जो डेल्टा टी है, टाइम गैप है, इतना स्मॉल है कि ये जीरो को टेंड कर रहा है. एरो मीन्स इट इज टेंडिंग टू जीरो बट इट इज नॉट जीरो. Because had it been zero, तो वो तो infinite, not defined आ जाएगा. तो not defined नहीं ना चाहिए. तो हम कह रहे हैं कि it is tending to zero. So we always take the limit in such a way. And when we take the limit, we get the instantaneous values. Then deltas become the derivatives. Then we get dx by dt. तो ये एक differentiation is a mathematical tool that we will be doing in kinematics. ठीक है. और उसके बेसिस पे भी वील हैव सो मेनी न्यूमेरिकल्स. तो v इज इक्वल टू स्पीड, नोट कर लीजिए, dx बाय dt होता है. दिस इज द फॉर्मूला दैट वी गेट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस. ठीक है. तो d क्या है? डेरिवेटिव. सो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं डिफरेंशिएट. इट मींस डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू, को हम ऐसे लिखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वो वेरिएबल जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो वी प्रोनाउंस इट लाइक दिस, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम या डिफरेंशिएट एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम इसको बोलते हैं. अब इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, वो हम मैथमेटिकल टूल सेपरेटली डिस्कस करेंगे. तो फॉर द टाइम बींग यू नोटेड डाउन. So definition and formula. So we have covered so far all the types of speed. Then we come to velocity and its types. चलिए next heading दीजिए velocity. तो speed था rate of change of distance, velocity है rate of change of displacement. ठीक है. Velocity is defined as the rate of change of displacement. तो आप लिखोगे इसको डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. रेट मींस वेरिंग विद टाइम. सो स्टिल वील बी यूजिंग द सेम फॉर्मूला, वी इंडिकेट बाय द सेम थिंग, बट टू बी वेरी स्पेसिफिक इट इज चेंज इन पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन. सो आर डिस्प्लेसमेंट, इफ वी आर यूजिंग सिंबल एस फॉर दैट, इट मस्ट बी इंडिकेटिंग चेंज इन पोजीशन एक्स टू माइनस एक्स वन. So this is your velocity change in position with time. So unit iska bhi same hai, standard unit hai meter per second. But if it is given in kilometer per hour, you can convert in meter per second by multiplying with 5 by 18. So 1 kilometer per hour is 5 by 18 meter per second. But unlike speed, velocity can be zero, negative, positive also. Velocity can be negative also because displacement can be negative. ठीक है. Then अच्छा उससे पहले वो speedometer भी कर लीजिए instantaneous speed के केस में. You know speedometer is a device that gives us instantaneous speed of an object. ये तो ninth से ही आपको आता है, speedometer, odometer ये सब आता है. Right. So speedometer is a device that measures instantaneous speed. तो आपके vehicle में ऑडोमीटर स्पीडोमीटर दोनों होते हैं. तो राइट नाउ इफ द स्पीड इज वेरिएबल, तो किस स्पीड से आप जा रहे हो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, वो आपको स्पीडोमीटर से रीडिंग मिल जाती है कि हम 60 किलोमीटर पर आवर पे जा रहे हैं, हम 65 किलोमीटर पर आवर पे ट्रेवल कर रहे हैं. दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड. ठीक है. तो दिस इज वेलोसिटी एंड सेम वे वी हैव फोर टाइप्स ऑफ वेलोसिटी एज वेल, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, instantaneous velocity and average velocity. So let's discuss one by one. So when does an object have uniform velocity? Bas wahi distance ke place mein ab displacement mention kar denge. Ye, this is just a kind of revision. So jaldi jaldi se main bol rahi hu. An object has uniform velocity if its displacement changes by equal amounts in equal intervals of time. Theek hai. So an object has uniform velocity if its displacement changes by equal amounts in equal intervals of time. Examples of uniform velocity. We did so many examples of uniform speed, motion of earth around the sun, motion of moon around the earth, motion of hands of a clock.
but these are not no more the examples of uniform velocity, because you know, for example, when we are taking earth around the sun, when we are taking any circular motion, ठीक है, तो circular motion में at any point velocity is given by tangent at that point. So if we are considering four points during the journey of an object in circular motion, then you can see this tangent is changing its direction and hence velocity also. So velocity at any point is given by drawing tangent at that point. And since in circular motion, rotatory motion, this direction can't be ever same, so these examples can't be the examples of uniform velocity also. They were examples of uniform speed, but they won't be examples of uniform velocity, because direction is not same in these cases. ठीक है, so you can't write earth, moon, वो hands of a clock, वो यहाँ पे नहीं लिख सकते, but that car example you can still write, but you have to mention direction in that case also. So what example you can quote here for uniform velocity? You can write a car covering 10 kilometer in 10 minutes, 20 kilometer in 20 minutes, 30 kilometer in 30 minutes and so on a straight road. ये भी आपको बताना पड़ेगा. Uniform speed में हमने direction mention नहीं की, but यहाँ पे हम बता रहे हैं कि on a straight road, provided the car is not changing its direction, provided it is going on a highway. ठीक है, और अगर इसकी डायरेक्शन भी सेम है, प्लस ये इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल एंड डबल्स ऑफ टाइम भी कवर कर रही है, देन वी विल कॉल इट यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? एक चीज अनइक्वल है, इधर द टाइम इंटरवल्स आर अनइक्वल और द डिस्प्लेसमेंट्स आर अनइक्वल. सो एन ऑब्जेक्ट हैज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट्स डिस्प्लेसमेंट changes by unequal amounts in equal intervals of time, or displacement changes by equal amounts in unequal intervals of time. ठीक है, ये आपको याद ही होगा, नाइन्थ में बहुत अच्छे से आप लोगों ने की. ठीक है, is that clear students? So non-uniform velocity is also called variable velocity because it is varying, the displacement is not changing equally with the time. So either the time intervals are unequal or the displacements are being covered in unequally. So इसमें example अब आप लिख सकते हो, अब आप इसमें अर्थ का example भी लिख सकते हो, moon का भी लिख सकते हो, hands of a clock का भी लिख सकते हो, plus already जो example थे non uniform speed के वो भी यहाँ पे add कर सकते हो. Motion of a man jogging in a park, motion of a car on a crowded city road, वो तो है ही है. उसमें स्पीड अगर नॉन यूनिफॉर्म थी, वेलोसिटी इज डेफिनेटली गोइंग टू बी नॉन यूनिफॉर्म. प्लस यू कैन ऐड दीज एग्जांपल्स. ठीक है, सो वी हैव कवर्ड टू टाइप्स, बाकी हम कल करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो टुडे आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू, आपका टेस्ट है 5 o'clock पे, आई विल बी शेयरिंग द लिंक विद यू, एंड प्लीज बी ऑनेस्ट एंड स्टिक टू द टाइम लिमिट ऑल्सो, राइट?